आदमपुर विधानसभा की ये 36 बरादरी की जीत है। आदमपुर विधानसभा की जो 26 साल से विकास की दृष्टि से अपोजिशन में जूझ रहा था, जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है, क्योंकि 2005 और 2009 में दो बार वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आदमपुर विधानसभा में एक भी ईंट लगाने का काम नहीं किया। तो इसलिए आज आदमपुर विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री के प्रति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और सर्वे चौधरी भजलाल परिवार के प्रति आस्था जताकर के भव्य बिश्नोई को जिताया। मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ में हैं। मुख्यमंत्री जी ने संगठन ने सह प्रभारी जिम्मेवारी कृष्ण कुमार के लगा जनता ने युवा एमएलए विधानसभा में भेजा है। मैं कहती है मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती, मंत्री बनाना संगठन के अधिकार की बात है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारे भव्य बिश्नोई इतना पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमपुर विधानसभा के बच्चों को विधानसभा में चुनकर भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो विधानसभा में और विधानसभा से बाहर आदमपुर की जो जीत में जो रुकावट आई हुई थी, क्या लगता है जिस तरह मुख्यमंत्री ने आदमपुर की रैली में कहा था, आदमपुर विधानसभा के मतदाताओं से अपील की थी, आप युवा भव्य बिश्नोई को आप विधायक बनाकर मेरे को हाथ पकड़वा दें, बाकी काम मेरा है और दो साल का जो पेड़ बाकी है मैं खुद इसको देखूंगा। आम आदमी पार्टी से भगवंत मान और केजरीवाल यहां पर जब चुनाव प्रचार में आए थे, उन्होंने खाता खोला, मैंने पहले कहा था इन दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त हुई है। केजरीवाल तो ऐसा व्यक्ति है, जैसे पंजाब में होता तो कहता कि मैं हरियाणा में एक बूंद भी अशवाइल पानी की नहीं जाने दूंगा, हरियाणा में आता तो कहते एक एक बूंद पानी के अशवाइल की लेकर आऊँगा। मैंने पहले भी कहा था जिस प्रकार जो दोमू या सांप होता है वो तो दोनों तरफ से काटता है, केजरीवाल की वो बयानबाजी। तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं गुटबाजी जीत का कारण है। कांग्रेस पार्टी में सदा गुटबंदी रही है। जब भी आम जनरल चुनाव हो, वैसे चुनाव ये जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं होती है, तो चारों दिशाओं में इनके चार मुख्यमंत्री होते हैं। जिस भी दिशा में जाते हैं उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, रिजल्ट फिर जीरो रहता है। इसलिए ये चुनाव केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था। किरण चौधरी कहाँ थी, रणदीप सुरजेवाला कहाँ था, कैप्टन अजय सिंह कहाँ था, शैलजा कहाँ थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदेश में फूट है, इसलिए भविष्य में इस प्रकार से रहे। भजनलाल की जीत है जो है, कह सकते हैं कि मनोहर लाल की नीतियों की जीत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। चौधरी भजनलाल परिवार के प्रति लोगों की आस्था है, हम उनका सम्मान करते हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए।